चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं पलवल, जहां पर मनोहर लाल कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। बहुत अच्छी जीत हो रही है, अभी परिणाम सबके सब नहीं आए थे। 5 बजे इंटरव्यू पर जो न्यूज रीडर हैं, वो मुझे कहते हैं कि सीएम साहब आपको बहुत बहुत बधाई। मैंने कहा बताओ किस बात की बधाई दे रहे हैं। कहने लगे आप लोकसभा की 9 सीटों में जीत रहे हैं। मैंने कहा सुनिए, हम 10 की 10 सीटें जीत रहे हैं, पहले 10 की बधाई दो तब आगे बढ़ेंगे, वरना मैं बात ही नहीं करूंगा। उनको डाउट था रोहतक सीट शायद हार जाए। मैंने कहा रोहतक सीट भी इस समय 5,000 वोटों से लीड कर रहे हैं, और अभी तो पोस्टल बैलेट वहां सायकल बाद में पोस्टल बैलेट गिने गए, उसमें भी हमारी जीत होने वाली है। जैसे सारे देश में पोस्टल बैलेट की जीत सब जगह लगभग हमारी हुई है, और ये जीत मैंने कहा 5 से 10 हजार के बीच में कहीं जाकर रुकेगी। और रात के यानी 23 और 24 तारीख की जो रात थी, सुबह 4:30 बजे 7,500 वोटों से हमारी जीत हुई। हमने 10 की 10 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी ने जीती, पहली बार जीती। इस प्रकार का रिजल्ट या तो 1977 में जब देश की इमरजेंसी के कारण से जनता पीड़ित थी और जनता ने पलटा मारा था, या तो उस समय जनता पार्टी की 10 की 10 सीटें आई थी, या आज ठीक 42 साल के बाद 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आप लोगों ने डाली है। और केवल जीती हैं ऐसा नहीं, जब मैं फरीदाबाद और करनाल के इलाके में घूमता था तो दोनों जगह के कार्यकर्ता नेता कहते थे क्या हरियाणा में सर्वाधिक वोटों से जीतेंगे। मैंने कहा कितने से जीतेंगे? कहने 5 लाख से जीतेंगे। मुझे भी कम भरोसा होता था कि 5 लाख वोटों की जीत मायने रखती है, कैसे होगी। लेकिन कार्यकर्ता वो बताते हैं कि हमारी वजह जनता आगे आगे दौड़ रही है, हम तो उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, जनता ने मर मरा लिया है। इस बार देश के प्रधानमंत्री दोबारा से नरेंद्र मोदी होंगे, सब लोग मोदी 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 चिल्ला रहे थे। और मित्रों जब रिजल्ट आए, आखिरी दिन भी होड़ लगी हुई थी कि कौन आगे जाए। अब इस बात को मैं किस ढंग से उल्लेख करूं कि करनाल लोकसभा देश भर में दूसरे स्थान पर 6,56,000 वोट लेकर के, और मार्जिन से 6,56,000 के मार्जिन से, इस अंतर से हम लोग जीते, जो देश भर में दूसरे स्थान पर रही। पहला स्थान गुजरात का 6,90,000 वोट से, वहां के सीआर पाटिल वो जीते। आखिर गुजरात है तो गुजरात से आगे बढ़ने की दृष्टा तो हम कर ही नहीं सकते भाई, गुजरात से आगे बढ़ने की दृष्टा हम नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद अगर दूसरे स्थान पर करनाल रही तो होड़ में लगे हुए हमारे फरीदाबाद के लोग भी पीछे नहीं रहे। 6,38,000 के मार्जिन से हमारी फरीदाबाद की सीट हमने जीती। 6 लाख से ऊपर देश में केवल 4 सीटें जीती गई हैं, जिनमें से 2 हरियाणा से है मित्रों, 2 हरियाणा से है, बड़े मार्जिन से। देश भर का एवरेज मार्जिन यदि हम सारा गिन लें, हर स्टेट का जो एवरेज मार्जिन है उसमें भी 3,58,000 का जो मार्जिन, ये हरियाणा का सर्वाधिक है। हम नंबर 1 पर आ गए हैं इस मामले में भी, इसलिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करने का मन करता है। मित्रों भाइयों बहनों, ये रिजल्ट आया है, लेकिन इस रिजल्ट के बाद एक बात मैं और ध्यान कराने के लिए आपके पास आया हूं कि जीत हार स्वाभाविक है, उस जन ज्वार पर निर्भर करती है, और कार्यकर्ता जिसको तैयार करता है उसका एक परिणाम निकलता है। हर 5 साल बाद लोकसभा का अपना परिणाम होता है, साथ में जब विधानसभा के चुनाव हो तो विधानसभा का भी अपना एक परिणाम होता है। संयोग से या लोकसभा के चुनाव के ठीक 3-4 महीने बाद हमारे विधानसभा का चुनाव भी है, और उसके लिए इस भारी जीत के कारण से कार्यकर्ताओं को मानस में एक बात का सुधार रखना पड़ेगा। इस बात को लेकर के हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठे रहेंगे कि हमारी भारी जीत हो गई है इसलिए विधानसभा में भी अपने आप जीत हो जाएगी। जो काम हमने लोकसभा के समय किए हैं वो सबके सब काम, बल्कि उनसे भी ज्यादा काम
विधानसभा के चुनाव में हमको करना होगा, क्योंकि जितना बड़ा चुनाव होता है उसमें जनमत आसानी से एक दिशा में चल पड़ता है, उससे छोटे चुनाव में जनता को हमको अपने विषय बताने पड़ेंगे कि किस विषय को लेकर के आपको देश प्रदेश में हरियाणा में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, ये विषय आपको जा जा करके लोगों को बताने पड़ेंगे। मित्रों, उल्लेख किया हमारे मंत्री जी और नए सांसद यहां से जो बने उन्होंने उल्लेख किया, कुछ बातों का उल्लेख किया, लेकिन संक्षेप में मैं उन सब बातों को दोबारा से भी दोहराना चाहूंगा कि हमने इस प्रदेश की जनता को जो एक राहत दिलाई उस पीड़ा से, जो पीड़ा हर जन हर व्यक्ति हर परिवार ये सहन करता था, वो था चप्पे चप्पे पर भेदभाव, चप्पे चप्पे पर भ्रष्टाचार, चप्पे चप्पे पर भाई भतीजावाद। हमने आने के बाद इन चीजों के ऊपर चोट मारी और एक नई संस्कृति को जन्म दिया, ताकि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचता है कि मेरा अधिकार है, ये चीज मुझे मिलनी चाहिए थी, जो आज तक वो प्राप्त नहीं करता था, अब पारदर्शी तरीके से वो चीज उसी को मिलती है। अभी आपने पलवल से लाइव हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को सुना, जो कि अभिनंदन समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त कर रहे थे।